ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. लास्ट टाइम हमने जैसे देखा कि शकुंतला का पुत्र ऋषियों ने उसका नाम सर्व दमन रख दिया, सर्व को दमन करने वाला था, वश में रखने वाला था और पशु पंखी सबको इतना बलवान था और संतों के प्रति ऋषियों के प्रति बड़े आदर से बड़े प्यार से सेवा के भाव से प्रतिष्ठित होता था, बड़ी विनम्रता से. उसकी विनम्रता के कारण ऋषि मुनि तपस्वी जो थे वो भी उसके वश में. भगवद गीता में कहा है श्री कृष्ण भगवान ने, तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन सत्वदर्शिनः. ज्ञान कैसे पाना चाहिए तो प्रणिपात दीर्घ नमस्कार होना चाहिए, अर्थात ज्ञान पाने के लिए शरणागति का भाव होना चाहिए. परिप्रश्न गुरु से क्या मांगना वो भी स्पष्ट होना चाहिए. गुरु के पास जाके मोक्ष की मोक्ष मांगना चाहिए, नहीं कि अन्य किसी कुछ चीजें संसार की वस्तु है. गुरु से अपने अंतःकरण की शुद्धि के उपाय मांगने चाहिए. गुरु के पास अपनी भक्ति कैसे बढ़े वो मांगना चाहिए. तो ये उन्होंने कहा, उससे मांगा, मांगना चाहिए और सेवा करनी चाहिए संतों की. जब सेवा करते हैं तो क्या होता है, शंकराचार्य जी लिखते हैं भाष्य में, वशीकृताहा आचार्या, अपने वश में आ जाते हैं गुरु. क्यों ऐसा कहते हैं कि जो सेवा का भाव होता है सेवक में, मन में, सेवक हमेशा सेव्य के अनुकूल होना प्रयत्न करना. सेव्य जो चाहे वो ही करेगा, ऐसा नहीं कि मैं कहूं वो करूं. ऐसी कथा आती है, दो चेले थे और एक चेला था तो गुरुजी की सेवा करनी थी, रोज पांव दबाने थे. तो बायां पांव दबा रहा था तो गुरुजी ने कहा दाहिना दबा, नहीं अभी बाएं का टाइम है, बैठो सो जा. ये सेवा नहीं है. सेवा है कि जो मुझे बोला वो करूं मैं, नहीं कि मेरे मन में आए वो करूं. जब हम अपने मन में आए वो ही करें तो हम अहंकार के वश में. जब हम गुरु के कहने पर उनको प्रसन्न करने का काम करें तो गुरु के वश में. गुरु को अपने को वश में लाने की आवश्यकता नहीं, वो तो सब छोड़ चुके हैं संसार. लेकिन मन जब उनके वश में होगा तो गुरुजी जैसी सोच हमारी होगी, गुरुजी जैसी हमारी दृष्टि होगी और गुरुजी जब शास्त्र पढ़ाएंगे, गुरुजी जब कुछ कहेंगे तो हमें वो चीज उस प्रकार से दिखेगी. हम अपने जीवन में सब ऑब्जेक्टिव होते ही नहीं, हमें हमेशा ऐसा लग रहा है मैं जो कह रहा हूं वो सही है, ऐसा ही है ऐसा ही है. लेकिन गुरु, किसी बुजुर्ग भी, गुरु तो वो है जो संसार छोड़ के निकले, उनकी दृष्टि ऑब्जेक्टिव होती है, पूर्ण रूप से निष्पक्ष रहती है. तो वो जो कहेंगे तो वो हम ठीक से देख के अपना सकेंगे. सेवा इंपॉर्टेंट नहीं है, गुरु को सेवा भी नहीं चाहिए. ज्यादा से ज्यादा आप किसकी सेवा कर पाओगे, शरीर की. शरीर तो प्रारब्ध के वशात आज जिए या कल मरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, महात्मा को जो देहाभिमान से उब गए. लेकिन जब सेवा का भाव होता है तो अहंकार समर्पित, मेरे मन में आया सो कर लिया, उसमें क्या है बड़ी बात, सामने लोग बोल दे इसमें क्या है. ये सेवा नहीं है.
सेवा से नम्रता आती है, सेवा से शरणागति आती है, कोई भी सेवा करे। एक माँ बच्चे की जब सेवा करती है, पिता बच्चे की सेवा कर रहा है, तो पिता के मन में हमेशा यह सोच चलती है कि उसको क्या पसंद आएगा, उसको मैं कैसे सुखी करूं। जब दोनों, अंग्रेजी में कहें ना अलाइनमेंट, गुरु के साथ जब शिष्य का मन एक रूप होगा, तब जाके उपदेश जिस प्रकार से दिया गया जाएगा उस प्रकार से स्वीकृत होगा। वरना अहंकार, अहंकार जन्य राग द्वेष, तज्जन्य पूर्वग्रह, आसक्ति इत्यादि विरोध कर, नहीं नहीं आपको मालूम नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा ही करना। तो ये सर्वदमन ने अपने बल से तो पशुओं को वश में कर लिया था, संतों को कैसे वश में कर दिया, सेवा से वश में कर दिया, सबका इतना प्रिय था। वो बच्चा बड़ा होने लगा, तब जाके कण्व ऋषि के, उस 11-12 साल का हो गया, कण्व ऋषि के मन में विचार आया और उन्होंने शकुंतला को बुलाया और कहा कि बेटी, अभी मैं तुझे जो कह रहा हूं एक पिता के नाते कह रहा हूं और तू मेरी सुननी चाहिए। क्या सुननी चाहिए? कि मन वाणी से गुरु पति की सेवा करनी चाहिए, पति के साथ ही रहना चाहिए, अपने मायके में भाई के साथ, पिताजी के साथ इत्यादि रहने से कीर्ति यश इत्यादि का नाश होता है। होम मेकर वुमन घर बनाती है, जब वो पति के घर में नहीं रहेगी तो उधर घर भी नहीं बनेगा, और इधर जो दूसरी घर बनाने वाली ही होगी, चाहे माँ हो या चाहे बहन हो या चाहे ननद हो या भाभी, उसको लगेगा मेरी दुश्मन है। तो इसलिए कहा है कि पति के साथ रह, तू चली जा, वहां भी तेरा समय आ गया है, वो लेने नहीं आया, लेकिन तू जाके दिला देना। और वो कुमार इस सर्वदमन को देख ही राजा समझ जाएगा, क्योंकि सब मुखाकृति उसकी बिल्कुल अपने बाप जैसी है। और मैं ब्रह्मचारी ऋषियों को बहुत भेजता हूं, वो मेरी साक्षी से कहेंगे तुझे। जब कण्व ने कहा हो तो झूठ नहीं है, इतने सारे ब्राह्मण बोले तो झूठ नहीं है, इतने मुनि बोले तो झूठ नहीं होगा, तो राजा स्वीकार, तू जा। उसको विश्वास आया। शकुंतला बेटे को वैसे भी वो भी इंतजार में तो थी ही थी कि कब मुझे मेरा पति बुला ले, कब मैं वहां चली जाऊं। उसने कहा था तू महारानी बनेगी, पटरानी बनेगी, तेरा बेटा चक्रवर्ती, वो तो शर्त रखी थी कि मेरा बेटा चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए। तो जब उसने ये कहा तब वो गई। ऋषिगण वहां महल में गए, सभा में राजा बैठा था। जब राजा सभा में था, ऋषियों ने कहा क्या जाए तो पूछ रहे हंसकर, अजू है तो पुनः जवान बैस नहीं। राजा ने, ऋषियों ने कहा, कण्व ऋषि का यह संदेश है कि हे राजा दुष्यंत, ये तेरी पत्नी, तूने धर्म से पाणी ग्रहण किया है, ये तेरा बेटा है, और बाकी सब ऋषि मुनियों ने भी साक्षी कि हम भी साक्षी हैं कि आप आए थे महल में, अरे वन में, तब घूमते फिरते वहां आ गए थे, आपने विधि से शादी की थी, आपका ये बेटा हुआ है, वगैरह सब कहके चले गए। राजा ने सब सुन लिया, फिर एक ऋषियों को बोला, हाँ ठीक है आप जाइए, सब चले गए, एक शब्द नहीं बोला। शकुंतला असमंजस में पड़ गई कि ये क्या कर रहा है। तो तब जाके शकुंतला ने कहा उसके बेटे को सर्वदमन से कि अभिवाद है राजा, हे बेटा, हे बेटा, ये दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत एवं धर्म का पालन करने वाले तेरे पिता है, तू उसको प्रणाम कर। शकुंतला ने ऐसा संस्कार दिया और कहा, उसने ये प्रणाम कर लिया। फिर शकुंतला ने कहा कि हे स्वामी, मैं आपको
विनम्र भाव से धर्म बुद्धि से कहती हूं कि मैं आपकी पत्नी, खुद भी बोल दिया। वो बोलते चुप हो गई, फिर भी राजा ने उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर सोचा, किम आगमन कार्यम, सोच के राजा ने एक शब्द कहा। हमें ऐसा बढ़ाया जाता है कि राजा भूल गया, उसने अंगूठी दे दी, रिंग दी तब याद है, ऐसा नहीं है। महाभारत में ऐसी कथा नहीं है। यहां लिखा है राजा को याद होने पर भी, वहां मन में लिखा है महाभारत का, दुष्यंत धर्म बुद्ध्या चिंतित इदम सो अब्रवी। दुष्यंत को कौन था? हर्षोत्फुल्ल नयना। जब उसने कहा कि ये तेरा बेटा, उसकी आंख हर्ष भर गई, मेरा बेटा। वो राजा देखने लगा, एक था एक टक-टक करके बेटे को, था भी ऐसा बच्चा प्यारा, कितना पराक्रमी होगा जिसके नाम से देश का नाम पड़ गया। बचपन से ही ऐसा था, लेकिन धर्मनिष्ठ था। जानबूझकर कहा। क्यों जानबूझकर कहा? वो खुद बताएगा बाद में, अंत में राजा कहता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। राजा ने कहा किम आगमन कार्यम ते ब्रूहि तम वरवर्णिनी, आपके आने का प्रयोजन क्या है आप कहिए। हे देवी, और विशेषतः आप बेटे के साथ आई हो तो कुछ आपको काम तो होगा। मैं अवश्यम करिष्यामि ते कार्य, मैं अवश्य तुम्हारा काम करूंगा। शकुंतला ऐसे कहने स्थिर हो गई, फिर भी हिम्मत करके बोली प्रसीदस्व महाराज, महाराजा प्रसन्न हो, वक्षामि पुरा उक्तम त्वया पुरुषोत्तम। हे राजा, तूने पहले जो कहा था मैं तुझे याद कराती हूं। बोली अयम तव सुतः, ये तेरा बेटा है, उसको यौवराज्य अभिषिंचताम, युवराज पद पे अभिषेक करो, क्योंकि उसने शर्त की थी। जब शकुन, आपने कल अगले पाठ में देखा, शकुंतला ने दुष्यंत से शादी करने की जब हाँ भरी तब एक ही शर्त कही थी कि कण्व ऋषि को प्रसन्न करना है और दूसरा मेरा बेटा युवराज बनेगा। तो बोले ये शर्त तुझे तूने दी थी मुझे, ये आप ही सा बेटा है, मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है, और आपने जो शर्त रखी थी उसका पालन करो। अब्रवीत स्मरा, तब राजा ने कहा, इसमें लिखा है सो अथ श्रुत्वा तद वाक्यम, राजा स्मरन अपि अब्रवीत। राजा को सब याद था, याद भी आया, फिर भी जानबूझ के बोला। क्या बोला राजा ने? राजा ने कहा कि तुम कैसी स्त्री हो, हे तपसी तापसी, तुम लगती तो तपस्वी हो लेकिन कैसी महिला हो, मेरे गले पड़ गई, मैं तुम्हारी बीवी हूं करके। मुझे धर्म अर्थ और मैं तो कोई स्त्री से संबंध स्थापित करूंगा तो धर्म अर्थ का मोक्ष कारण से करूंगा। ये मेरा संबंध का प्रयोजन मोक्ष ही पाना है, धर्म कमाना है, अर्थ काम है, चारों पुरुषार्थ है, पर मुझे कुछ याद। तुम कृपया बताओ तुम किसकी स्त्री हो। ऐसा जब कहा शकुंतला को बड़ा गुस्सा आया। अब तक तो अपेक्षा थी कि राजा हाँ अभी हाँ बोलेगा, अभी हाँ बोलेगा, अभी हाँ बोलेगा, उसके बजाय एकदम बोल दिया तुम किसकी स्त्री हो। तपसा संभृतम क्रोधम, उसने अपना तप से, राजा ने कहा तू तपस्वी है, क्रोध को संभालिया अपने आप में। ये जो वाक्य उसने वहां राजा को कहा था यही कहा, यो अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपत्ति, जो अलग है और अलग रूप से अपने आप को दिखा रहा है, किम तेन न कृतम प्राप, जो दंभी पुरुष होता है वो बड़ा पापी, उससे दंभी पुरुष ने दूसरा कोई बड़ा पापी नहीं किया, सबसे बड़ा पाप दंभ करना, अब जो हम नहीं है वो दिखाना और जो किया है उसको छुपाना। फिर यहां अपने देखे
शकुंतला के द्वारा कर्म का सिद्धांत, कर्म के सिद्धांत की बात करते, कैसी बुद्धिमान स्त्री होगी। देखिए मैं अक्सर कहता हूं अपने प्रवचनों में, माया क्या चीज है, कितनी चीज माया है। एक दृष्टिकोण से देखे तो मनुष्य जब पुण्य कार्य करता है ना, तो उसका उसको बैंड बाजा बजा के सबको दिखाता है कि मैं ये कर रहा हूं। कोई दान देगा तो पूरी समाज खड़ा करेगा, फूलहार स्वीकारेगा, अपनी तख्ती लगवाएगा, सब करेगा। पुण्य कार्य के लिए दिखावा पूरा करेगा, सबको पता चलना चाहिए कि मैं पुण्य कार्य कर रहा हूं। लेकिन जब पाप करता है और विशेषतः भगवान को बोलता है, श्रावण के महीने में इतनी लोटी पान दूध की चढ़ाएगा, 200 ग्राम की लोटी, 30 दिन चढ़ाएगा, 6 लीटर दूध है, 250 रुपये का दूध है, लेकिन चढ़ाएगा और फिर बोलेगा पूरा श्रावण महीना में भक्ति कर रहा हूँ भगवान, फिर भी नहीं किया मेरा क्या भक्ति पूरा श्रावण महीना, 250 रुपये का दूध चढ़ाया उसने, छोटा भी करेगा। और जब पाप करता है तो ये मानता है कि मुझे कोई देखता है, यही माया। पाप सबसे छुपा के करता है और तब मान रहा है कोई नहीं देख रहा। शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम में पड़ी बड़ी है तो उसे कह रही है कि जो पाप के लिए कह रही है, आप अगर ऐसा मान रहे हैं कि मतलब शी अंडरस्टूड कि ही नोज कि मालूम है मैं हूं, लेकिन आज वो अपने को स्वीकार नहीं कर रहा है, इज डिजोनिंग, जानबूझ के मुझे स्वीकार नहीं करा। उसके कोई कारण होगा, चाहे मैं नहीं चाहती हूँ, दूसरी मिल गई हो, बेटा नहीं चाहे, कुछ भी हो। तो कह रही है कि उस समय आप अगर यदि ऐसा मानते हैं या कोई भी मानता है कि उस समय मैं अकेला था और किसी ने देखा नहीं है, आपने मुझे भोग कर लिया, मेरे साथ मजा कर ली और अभी आपको रस नहीं रहा, तो एक ना याद रखना, आप अकेले हो। कोई भी मनुष्य जहां अकेला होता है वहां सर्वांतर्यामी परमात्मा रहता है, और ये जो सर्वांतर्यामी परमात्मा है वो अंदर बैठा बैठा पाप और पुण्य देखता है। धर्म एव ही साधु नाम सर्वेशां हितकरम नित्यम मिथ्याधिहिना नाम न च दुख वहो भवेत्। मन्यते पापम कृत्वा कश्चित् न वेत्ति मामिति। आदमी साधु पुरुष के लिए, सत्पुरुषों के लिए धर्म ही ठीक, सत्य ही ठीक है, लेकिन अगर कोई मान रहा है कि मुझे अकेले में मैंने कहा, मतलब जो असत्य से दूर रहने वाले साधु पुरुषों के लिए धर्म ही हितकारक, अर्थात तू असत्य से दूर रहता है, आज असत्य में मत फंस, तू अधर्म कर रहा है। और जो मनुष्य समझता है कि अंत अकेले में मैंने पाप किया, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन विंदंती चैनम देवाश, सब देवता देखते हैं, इतना ही नहीं चैव अंतर पुरुष है, अंतरात्मा जो परमात्मा है वो देख रहा है। शकुंतला कहती है वेद में कहा कि हमारे सभी कर्मों के दृष्टा ये सब है, सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि अंतरिक्ष पृथ्वी जल यमराज दिन के देवता रात के देवता संध्या धर्मराज यमराज निरंतर देखते। यमराजा को धर्मराजा इसलिए किया कि हिसाब रखता है वो पाप पुण्य का, एवरी एंट्री अकाउंट की सब पुण्य की पाप की उनके पास जाती है। तू ऐसा मानता है लेकिन ये सब लोगों ने देखा, ऐसे लोगों पे जो ऐसा मान रहे हैं कि मैं कर लूं, उसके पर अंतर्यामी परमात्मा संतुष्ट नहीं होते हैं और पापी को पाप का दंड देते ही है। और जो स्वयं ऐसा कर रहा है उसका कभी कल्याण नहीं होता। और कितनी गौरवशाली महिला होगी, अर्चारहा मैं तेरे से तेरे पास आदर पाने योग्य हूं, आप आपके सामने से आपकी पत्नी हूं, आपके वचन के लिए पत्नी बनी थी, फिर भी आप मेरा आदर नहीं करते हैं,
कि आप नीच पुरुष की भांति पत्नी को, धर्मिष्ठ पत्नी को, पतिव्रता स्त्री को आप अवमानित कर रहे हैं। मैं अकेले जंगल में नहीं रहूं, सबके सामने लो रही हूं। और हे महाराज, आज शायद आप नहीं मानोगे और मुझे ऐसा करोगे तो लिख लेना, तुम भी जी नहीं पाओगे। पतिव्रता तपस्विनी ने कहा। फिर पत्नी से क्या मिलता, पुत्र से क्या मिलता है? ये श्लोक है ना, पुम नामनात नरकात त्रायते यस्मात पितरम त्रायते सुता। संतान नरक से पितरों को मोक्ष दिलाता है, इसलिए तस्मात पुत्र इति प्रोक्त स्वयं भूना मनुना। स्वयं भू मनु ने पुत्र कहा है। पुत्र सत संपत्ति सिर्फ पुत्र होना जरूरी नहीं है। रावण भी पुत्र था, वो मुनि का, दुर्योधन भी पुत्र था। सत संपत्ति होने से पिता और पितर सब दिव्य लोक में विजय पाते, अक्षय लोक। पुत्र पुण्यशाली हो, धर्मात्मा हो तो देवता प्रसन्न होते हैं, तो उसका पुण्य उनको भी मिलता है ऐसा पुत्र समाज में देने से। और संतान आने से धर्म की परंपरा चलती है। और ऐसा आपका पुत्र है, इतना विद्वान, इतना धर्मात्मा है, साधु संतों को पूछ लीजिए आप। और शास्त्र में लिखा है, पत्नी का भी महिमा कहती, पुरुष का आधा अंग भार्या है, पुरुष का सबसे श्रेष्ठ मित्र पत्नी है। जब पत्नी है तो धर्म और मोक्ष सिद्ध होते, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कहीं कर्म करने के लिए पत्नी चाहिए। और वैसे भी स्त्री धर्मनिष्ठ होती है, पुरुष से करवाती है ऐसा करो वैसा करो वो करो। पुरुष की मति होटल में टिप देने में जाती है, महिला की मति मंदिर में दक्षिणा देने में जाती है। ये वो मंदिर में पुरुष एक अठन्नी रुपया रखेगा, होटल में 200 रुपया रखेगा, वो बोलेगी इधर दो ब्राह्मण, उसका दिल बड़ा होता है देने के लिए। तो धर्म बनाती है, उतना ही नहीं घर स्त्री से बनता है। और बाहर से जब पुरुष आता है तो उसको स्त्री होने पर थकान दूर होती है। संसार तप्तम प्रेतम, पति अगर दुराचारी हो और संसार से मर के नरक में जाए, लेकिन पतिव्रता स्त्री के पुण्य से वो स्वर्ग में जाता है। और अगर पत्नी पहले स्वर्ग में गई तो वो पति का इंतजार करती है स्त्री में। अर्थात स्त्री का ये देखो, पतिव्रता का अर्थ क्या है, स्त्री में प्यार सहज होता है। जहां प्रेम होता है वहां शरणागति होती है, त्याग होता है। इसलिए कह रही है कि मैं ऐसी आपको समर्पित हूं, मुझे आपसे प्यार है और आप उसको न स्वीकार करो। और जब मैं आपके पुत्र की मां बन चुकी हूं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं चरित्र भ्रष्ट स्त्री हूं। बाकायदा मां बनी हुई स्त्री को तो आपको मां के समान आदर देना चाहिए। ये सब कहा। फिर वापस पुत्र सुख कहती है कि पुत्र को आलिंगन देने से, सुसंस्कारी पुत्र होने से पिता को कैसा सुख मिलता है। जो अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के, अच्छे अच्छे सुगंधित द्रव्य लगाने से, अच्छा अच्छा भोजन करने से जो सुख या शीतलता, ठंडे जल पीने से या जल में स्नान करने से जो शीतलता नहीं मिलती है, वो पुत्र को गले लगाने से शीतलता मिलती है। तो आप पुत्र का स्वीकार कीजिए। ये कह के ये भी कहा कि देखिए, यज्ञ के अंत में ब्राह्मण लोग ये आशीर्वाद देते हैं और उसमें वेद में कहा है कि पुत्र कौन है। हृदयादि जायसे आत्मा वही पुत्रा नामसी। पुत्र तो हृदय से होता है, अंग अंग से प्रकट होता है। इसके लक्षण देख, ये तेरी संतान है। मैं पवित्र हूं, संतान पवित्र है, हम दोनों को पाके तुझे धर्म अर्थ मोक्ष मिलेगा, मैं देने वाली हूं।
पर जब उसने कहा था ना कि तू कौन है, किसकी पत्नी है, अर्थात दुष्चरित्र का आक्षेप लगाया जैसा था, तो उसने कहा अपना कुल बताया कि देखिए स्वर्ग में 6 प्रधान अफसर आए, सबका नाम है उर्वशी, पूर्वाचिति, सहजन्या, मेनका, विश्वाची और द्रुताची। वो 6 में सबसे श्रेष्ठ मेनका है सब देवताओं ने, इसलिए काम के लिए हमेशा देवताओं मेनका को भेजते हैं स्वर्ग की रक्षा के लिए। वो मेनका मेरी मां है और पिता कौन है, मैं बीज कहां से आई हूं। बोले प्रजापति ने कुश नाम के तपस्वी ऋषि को जन्म दिया, ब्रह्मा जी अग्नि समान तपस्वी थे, उसका बेटा हुआ कुशनाब और कुशनाब के बेटे हुए विश्वामित्र। विश्वामित्र में तप यहां से आया, कितने कठोर तपस्वी थे। हे राजन, नहीं सॉरी, कुशनाब का बेटा हुआ गादी, कुशनाब विश्वामित्र के दादा और उसके दादा के दादा ब्रह्मा जी हो, कुशनाब, कुशनाब के पिता कुश और कुश से ब्रह्मा जी, मतलब 6वीं पीढ़ी पे 6th generation ब्रह्मा जी की संतान। मैं उसकी, ऐसे मेरे श्रेष्ठ पिता है और ऐसी मेरी श्रेष्ठ माता है, इसीलिए तू मेरे चरित्र पर शंका मत। और विधाता लग रहा है मुझे, किम न कर्मा शुभम कृतम पूर्व जन्मसी, मैंने पूर्व जन्म में निश्चित क्या पाप किया होगा कि भर सभा में, मेरा पाप है कि भरी सभा में तू मुझे ऐसा कह रहा है, तू मेरा स्वीकार नहीं करता है और मुझे ऊपर से शंका कर रहा है। दुष्यंत अभी भी नहीं पिघलता, उसकी बड़ी परीक्षा ले रहा है। क्या परीक्षा ले रहा है, टोंट लगाते, क्या हमने तो सुना है महिला आराम से झूठ बोल सकती ऐसा ही नॉन कमिटेंट स्टेटमेंट ही से असत्य वचा नार्याः इति श्रुतम मया। और तू तो तेरी मां की क्या बात कर रही है, वो तो अप्सरा है, और पिताजी की क्या बात कर रही है, तब उसे भंग 3 बार हो गए। ऐसी बेटी और ऐसी क्रूर मां तेरी, तू जो छोड़ के जंगल में चली गई, कैसी निर्दय है, ऐसी मां की तू बेटी है और कैसे तेरे पिता तू, वो भी तुझे छोड़ के चले गए, तू भी इसको छोड़ के चली जा, तेरे माँ बाप की तरह बेटे को छोड़ के निकल जाया। बड़ा हिम्मत वाला है राजा, जानता हूं भी ड्रामा कर रहा है। देखिए वो जमाने के राजा कैसे थे, तब जाके बड़े अच्छे श्लोक शगुन से, देखिए पूरा महाभारत सुभाषित से जीवन शिक्षा से भरा पड़ा है। सत्य का महिमा कहा अभी आता है, स्त्री का क्या आदर होना चाहिए, पुत्र का, एक कहानी थ्रू द शोल्डर्स ऑफ द कैरेक्टर, इस चरित्रों के द्वारा हमें जीवन की शिक्षा देते, पति पत्नी कैसे होना चाहिए, शकुंतला के मुंह से बुलवाते, ऋषि के मुंह से बुलवाते हैं बेटी कैसी होनी चाहिए, सास पिता के पति के वहां कैसा होना चाहिए। तो बोलती है, ये कहती है कि एक कहावत प्रसिद्ध है, मैं वो कहावत आपको कह रहे हूं द्वेष के कारण नहीं कह रहे, ओके, निदर्शनार्थम न द्वेषा श्रुत्वा तम क्षंतु मरस, आपका शायद अपमान होगा, वो अभी भी उसको पति का आदर दे रही, अभी भी तू तो राजा है, मैं महारानी नहीं बनी। तो अगर राजा की मर्यादा का लोप हो, पति की मर्यादा का लोप हो, तो क्षमा करना, लेकिन और द्वेष से नहीं करो, तो ये याद दिलाने के कहता है। क्या कहावत है, विरूपो यावदार्ष दर्शेन आत्मनः पश्यते मुखम, जो कद्रूप आदमी होता है ना, जिसके मुख सुहावना न हो, वो जब तक मिरर में अपना मुंह नहीं देखता है, तब तक अपने आप को दूसरे से रूपवान समझता है
टॉन्ट दिया उसने कि तू मुझे कह रहा है तेरे माँ बाप ऐसे हैं, लेकिन तू अपना मुंह देख। और यदा इतना ही नहीं, जब आईने में विकृत मुंह का दर्शन कर लेता है तब उसे पता चलता है अपने मुख में और दूसरों के मुख में क्या अंतर, तब तक वो नहीं जानता। स्वामी दयानंद जी एक बड़ी अच्छी बात बताते कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हम हमारा मुंह कभी आईने में देखा ही ना। कई पशु पंखी ऐसे मर जाते हैं जिनको मालूम नहीं वो कैसे हैं। हम कहते हैं वो अति रूपवान है, कई पक्षियों के चित्र देखे या घर में कुत्ता होता है तो माँ वो मालिक क्या बड़ा स्वीट है, कितना बढ़िया सुंदर है वगैरह सब कहेंगे। कुत्ता कभी मिरर में जाके देखता नहीं है मैं कितना रूप, और उसे होता नहीं मैं रूपवान हूं। शायद पालतू कुत्ता देख पाएगी, जंगल वाले को क्या मालूम। और ये कह रहे हैं दूसरे भी सुभाषित के, मतलब जो दुर्जन होता है वो दूसरों के दोष देखता है, जब अपने दोष देखेगा तब पता चलेगा दूसरे कितने सज्जन। और आगे कहती है अतीव रूप संपन्न, जो अति रूपवान होता है न किंचित अवमान्यत, वो किसी का अपमान नहीं करता है। अतीव जल्पन दुर्वाच भवती यह विहेठकः, जो अपने रूप की प्रशंसा अधिक बातें नहीं बनाता है वह खोटे वचन जो नहीं होता है वही कहता। तो गुणवान होता है वो अपने गुणों का बखान नहीं करते हैं। विद्वान पुरुष दूसरों के गुण ही अपनाते हैं, दूसरों के दोष नहीं देखते हैं। प्राज्ञस्तु, विद्वान पुरुष दूसरों के गुण देखते हैं और दूसरों की निंदा का अवसर आने पर भी वो निंदा नहीं करते। जो मूर्ख होता है वो निंदा का अवसर मिले तो बड़ा संतुष्ट होता है, तेरे व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि तू मेरे से संतुष्ट हो रहा है। बहुत अच्छी सुभाषित कहती है, सुखम जीवंत दोषज्ञाः मूर्खाः दोषानुदर्शिनः। जो विद्वान विवेकी पुरुष होते हैं वो सुख पूर्वक जीते, दूसरे के दोष देखते ही नहीं। मूर्ख लोग होते हैं दूसरा का दोष देख देख के जलते रहते हैं, ये ऐसा है ऐसा खराब है, तो उसका मन भी खराब होता है, कभी सुखी नहीं होते। तो और इतना ही नहीं, उससे ऐसे हो जाते हैं कि साधु पुरुष के ऊपर भी दोष का आरोप करते हैं, दूसरे का दोष देखने की आदत हो गई, जहां नहीं हो वहीं देखने लग जाएंगे। तो संसार में ऐसा नहीं होना चाहिए। इस संसार में मूर्ख, सबसे बड़ी मूर्खता भरी बात यही है कि दुर्जन पुरुष अपने आप को सज्जन मान रहा है और सज्जन को बड़ा दुर्जन मानता है। इतना ही नहीं, दोबारा कहती मुझे तू छोड़ दे, लेकिन संतान उत्पन्न करके उसका जो सम्मान नहीं करता है, संतान को त्याग देता है, उसकी सब संपत्ति नष्ट होती है। तू ऐसा करेगा तो तू और तेरा राज्य श्रीहीन हो जाएगा। पितरों ने वेद में मंत्र कहती है कि पुत्र को कुल की प्रतिष्ठा कहा है, इसलिए तुम्हें पुत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। पुत्र पिता के लिए नौका समान है, संसार सागर से तैरने के लिए। और आगे कहती है मेरे मंत्र शास्त्रों के श्लोक, वरम कुपशतात वापी वरम वापी शतात कर्तु। एक कुआं खोदना बड़ा पुण्यकारी काम, लेकिन 100 कुएं से एक वाव वापी खोलना, मतलब तने अपने वाव कहिए थे, वो खोदना ज्यादा पुण्यशाली। और ऐसे 100 वापी खोदने से पुण्यकारी एक पुत्र उत्पन्न करके संस्कार देना। तूने उत्पन्न किया है लेकिन संस्कार मैंने दिए। आगे उसके मुंह से सत्य की महिमा निकल गई। देखिए हमारी संस्कृति में
महाभारत में कई जगह ऐसे वाक्य है सत्य का आग्रह। और जब मैंने राम सेतु का मूवमेंट चलाई थी, मैं केस लगाया तब बहुत रिसर्च की। मैं आज से आपको 2006-07 की बात कर रहा हूँ, 12-15 साल 14 साल की पुरानी बात। मेरे देखने में आए कई जजमेंट, जब हम ढूंढ रहे थे कई रेफरेंस, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट जजेस के जजमेंट, उसमें उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया था कि इस देश की प्रजा की सत्य प्रियता तो देखो, एक बार गीता जी के ऊपर हाथ रख लिया तो कभी झूठ नहीं बोलते, चाहे कितनी भी सजा मिलनी हो तो सहन कर लेंगे लेकिन असत्य नहीं बोलेंगे। सत्य के संस्कार कितने हैं ये कहती है ये बड़ी, ये सुभाषित महाभारत में 4-5 बार मैंने पढ़ी, ज्यादा होगा शायद। अश्वमेध सहस्त्रम च सत्यम च तुलया द्रुतम, तुला से मतलब बैलेंस से, तराजू जेने कहिए, तो तराजू पर अगर तोला जाए एक बाजू सत्य और एक बाजू हजार अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध सहस्रात, हजार अश्वमेध यज्ञ से भी सत्यम एव विशिष्ट, सत्य ही बढ़ेगा। सर्व वेदाधिगमनम सर्व तीर्थावगाहनम, तुम सभी वेद का अभ्यास कर लो, समस्त तीर्थों का स्नान कर लो, लेकिन सत्य वचन उसकी समानता में ये कुछ नहीं है। अर्थात सत्य कितने शास्त्र पढ़ना और तीर्थ यात्रा में स्नान से अधिक। नास्ति सत्य समो धर्म, मनुष्य के लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म सत्याद विद्यते परम, सत्य से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। और असत्य से बढ़कर पाप ही संसार में नहीं। आगे कहती है, राजन सत्यम परम ब्रह्म सत्यम च समय पर, हे राजा पर ब्रह्म पर सत्य सच्चिदानंद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है सत्य। सबसे बड़ा नियम संसार को नियमित करने वाला नियम सत्य है। मा त्याक्षी ही, हे राजा इसका त्याग न कर, तो अपनी प्रतिज्ञा का त्याग मत कर। सत्य मैं तो मुझे तू छोड़ दे लेकिन प्रजा के लिए तू राजा है, इसलिए कह रहे हो सत्य तेरी जीवन संगीनी बनना चाहिए। यू शुड बी मैरिड टू ट्रूथ एज अ किंग, यू शुड बी, राजा चीटर है, राजा दूसरों को अलग बोलेगा तो प्रजा करेगी। अनृतम चेत प्रसंगस्ते शुद्धरासी नचेत स्वयं, यदि आपकी दृष्टि आपकी श्रद्धा झूठ में है और मेरी बात पे श्रद्धा नहीं करते हो तो मैं अभी चली जाऊंगी। आप जिस नारी के साथ रहना चाहे रह सकते, मैं तो पतिव्रता हूं रहूंगी, लेकिन ये देख दो, शायद उस जमाने में डीएनए टेस्ट नहीं था, मैं तो बोलते डीएनए करवाओ पता चल जाएगा, लेबोरेटरी टेस्ट कराओ उसका, तो बोलती है इसका तुझे स्वीकार करना चाहिए, ये तेरा बेटा है तेरे सुख के लिए वगैरह। और जब एक बार आपके पास आके तात कहकर पुकारेगा तुझे और तेरे पास आलिंगन देगा, आज तक तुझे ऐसा सुख नहीं मिला ऐसा मेरा बेटा तुझे सुख, तब बोलते मेरा बेटा सुख दे। गौरव कितने अपने आप से। आखिर में एक वाक्य कह देती है, त्वाम रुते भी ही दुष्यंत, तेरे बगैर भी है दुष्यंत, पहली बार नाम से बुलाती है, बड़ी आमन्या से बुला रही थी, पति है राजा है, अभी देखा कुछ नहीं बोली, बोला वो तो छोड़ दिया। बोलिए जब पैदा हुआ हमने देखा था, इसका जन्म हुआ तब आकाशवाणी हुई थी, देवताओं ने कहा था कि ये बेटा सम्राट बनेगा, ये बच्चा बड़ा होके देवदूतों ने कहा था कि तुम्हारा पुत्र सिर्फ सम्राट बनेगा,
चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, देवताओं ने कहा था। तू नहीं स्वीकारेगा फिर भी मुझे विश्वास है वो बनेगा। अगर ऐसे पराक्रमी चक्रवर्ती देवताओं ने कहा तो इसका यश सदियों तक रहेगा। ऐसे यशस्वी पुत्र का पिता होने का सुख और गौरव तुझे चाहिए तो ले, वरना मैं चली। ऐसा जब बोल दिया तब राजा चुपचाप बैठा। राजा ने एवं उक्त्वा राजानं प्रातिष्ठत शकुंतला अशांतरिक्षात्। एकदम चुपचाप खड़ी हो गई। राजा ने भगवान से मनोमन प्रार्थना की, तब जाके आकाशवाणी हुई। तब आकाशवाणी कहा कि पुत्र तो पिता के नाम से आजकल संसार में जाना जाता है, पिता द्वारा माता द्वारा दोनों के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए कहते हैं कि पिता ही पुत्र रूप में आता है। दुष्यंत आकाशवाणी हुई, तुम उस पुत्र का पालन करो और शकुंतला का आदर करो। आकाशवाणी, इसका तुम पालन करो और शकुंतला का आदर करो, स्वीकार करो, ऐसा नहीं का आदर करो। यू रिस्पेक्ट योर वाइफ, हाउ मच यू शुड डू। और पूम नामना तर्कात्रायते इति पुत्र, दोबारा आकाशवाणी ने कहा ये संतान तेरी ऐसी है कि तुझे नहीं तेरे पितरों को और आने वाली पीढ़ियों को, इतना पुण्यशाली होगा इसके पुण्य से सब ठहर जाओगे। जैसे गुजराती में कहते हैं ना, कुल इकोतर तार्या रे, इकोतर कुल तरी जाए, एवा संतान, ऐसा बेटा है तो तू उसका स्वीकार कर और भरण पोषण कर। और तुम उसका भरण पोषण करोगे इसलिए इसका नाम भरत रखो आज से। सर्वदमन नाम था। आकाशवाणी ने कहा कि तुम इसका भरत नाम स्वीकार करो। अच्छा, आगे कहती है ये बड़ी पतिव्रता है। जब देवताओं ने पतिव्रता कह दिया तो वर्ण ने दुदुम भी बजाई, पुष्प वर्षा की, तब राजा दुष्यंत बड़े प्रसन्न हुए और उसने पुरोहित मंत्रियों से कहा आप सब देवदूतों का वचन बलि भांति सुन ले। सुना आपने? सबने कहा हाँ हमने सुना। तब कहता है मैं भी इसको देख के समझ गया था कि मेरा पुत्र है, इस महिला को मैं भूला नहीं था, शकुंतला के कहने से पहले मैं जानता था ये मेरी पत्नी, मैं उसके साथ जिया हूं, रहा हूं थोड़े दिन पत्नी के रूप, पति के रूप में, और दिखावे से मेरा पुत्र रहता है। लेकिन शकुंतला के कहने पर मैं अगर बालक ग्रहण कर लेता, शायद समाज में कोई बोलता कि राजा राजा बालक विशुद्ध नहीं है, अशुद्ध किसी का बालक ले लिया, राजा को यह महिला पसंद आ गई। शायद कोई अंगली उठाता शकुंतला पर। हमारे पास तो कथा है वो, रामायण का प्रसंग सबको मालूम होगा। शायद कोई मेरे पीछे बात करे, शकुंतला की पातिव्रत्य और बेटे की विशुद्धि दिखाने के लिए मैंने ये ड्रामा किया। आप सब स्वीकार करते हैं देवता को? सबने जब हाँ बोला तो राजा नीचे आके सबसे पहले पुत्र को आलिंगन दिया, स्पर्श जनित सुख का अनुभव किया, बेटे को खूब आशीर्वाद दिया, हर्षाश्रु बहने लगे। कैसा पति होना चाहिए? कहते हैं ना ईगो ऑफ द मेल। वो कह रहे हैं शकुंतला का धर्म पूर्वक सत्कार राजा ऊपर से उठ के सबके सामने और कहा कि हे देवी, मुझे याद है कि मैंने आपके साथ कृतो लोक परोक्षोयम संबंध है,
लोक परोक्ष है, कोई नहीं जानता था, तब मैंने आपके साथ वैवाहिक संबंध लगाया था। साधारण जनता नहीं जानती थी, ऋषिगण जानते थे, अतः तुम्हारी शुद्धि के लिए मैंने उपाय सोचा था और भगवान से प्रार्थना की थी। सबके सामने मैं स्वीकार करता हूं कि देवी तुम निस्संदेह पवित्र, आप में लेश मात्र भी दोष नहीं है, और यदि तुम्हारी इसी शुद्धि न होती, आकाशवाणी के द्वारा जो उसको वैलिडेट न होती, तो लोग कहते कि स्त्री आप इतनी रूपवती हो, आप इस आपकी कांति ऐसी, दिखावा ही ऐसा था, उस अप्सरा की बेटी थी, तो शायद लोग बोलते कि मैं भी काम के मोह अधीन हो गया और इस महिला को अपना लिया और किसी के बेटे को कर दिया और राज्य पे स्थापित कर दिया, या आगे चक्रवर्ती बनना है, इसको युवराज बनना है। तो धार्मिक संबंध तो विधाता ने निहित किया, इसलिए हुआ, इसलिए मैंने ये किया। फिर उसने कहा आप बड़ी, आपके पर मैंने शंका की, इसलिए आप कुपित हो गई, वो साहजिक, और आपने अप्रिय वचन कहे, ये सब अप्रिय वचन आपके मुंह से इसलिए निकले कि तुम्हें मेरे से अत्यंत प्रेम, तुम्हारा मेरे को अत्यंत शरणागति। हाथ जोड़ के नमस्कार करके कहता है, हे देवी, हे शुभे, हे विशालाक्षी, तत् क्षांतम ते मया शुभे, ते क्षांतम मया कृतम, मैंने जो बोला, हे शुभे तू क्षमा कर दे, और कृपया आपने जो श्राप दिया वो भी वापस ले ले। तब शकुंतला भी रोने लगी, उसने भी माफी मांग ली कि मैंने जो अप्रिय और कटु वचन कहा उसे, हे महाराज आप क्षमा कर दीजिए। पति के लिए तो पत्नी के प्रति हमेशा क्षमा भाव होना चाहिए। दुष्यंत ने कहा जहां प्यार होता है वहां क्षमा होती नहीं, स्वीकार। ये कहने के बाद राजा स्वयं अपनी माँ को बुला लाया, माँ से पहचान करवाई, प्रणाम कराया। उसका वर्णन आता है रथांतरिया, उसकी माँ का नाम था रथांतरिया। उस रथांतरिया ने शकुंतला को जो सत्कार दिया, कुलोचित बहु को जो आदर देना चाहिए वो सत्कार दिया, और कहा कि तू भावी राज माता है, माँ क्षमा मांग रही कि मेरे बेटे ने तुझसे कटु वचन जो कह दिए, लेकिन उसने अच्छे भावना से किए थे, तो उसे क्षमा कर। स्वाभाविक है शकुंतला तो रो पड़ेगी जब उसकी सास इतना आदर देगी तो। और तब शकुंतला ने कहा, उसकी माँ ने आशीर्वाद दिया, दोनों प्रणाम किए, उसकी माँ के मुंह से भी यह शब्द निकला रथांतरिया, हे शकुंतला तेरा बेटा अप्रतिम चक्रवर्ती सम्राट होगा, और तू और तेरा पति, ऐसा नहीं कह रहे मेरा बेटा। देखिए सास की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, बहू को किस प्रकार से अपनाना चाहिए। तो कहती है कि तू और तेरा बेटा हमेशा अप्रतिम चक्रवर्ती सम्राट होगा, तू और तेरा पति धर्ममय राज्य का शासन करो, और तुम तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करोगे, और तू हमेशा, इतने साल तपस्वी रही तू, मेरा आशीर्वाद है कि तू दिव्य भोग भोग के धर्म बजा के मोक्ष प्राप्त। क्या माँ का हृदय, ऐसा जब आशीर्वाद दिया, उस समय राजा ने ब्राह्मणों द्वारा, कुल गुरु द्वारा, वही का वही शकुंतला का पटरानी पद पे अभिषेक करवाया, और साथ में वही का वही उसके बेटे को, भरत को, अभी हम सर्वदमन नहीं कहेंगे, भरत को
उसने युवराज पद से नियुक्त किया। वर्णन है, कहानी पूरी करते हुए व्यास जी कहते हैं कि कालांतर में राजा भरत कुमार को शकुंतला कुमार कहते हैं। व्यास जी का उल्लेख देखो, दुष्यंतस्तु तदा राजा पुत्रम शाकुंतलम तदा शाकुंतल। देखिए, चाहे नाम पिता का लिखे लेकिन समाज में आदर कैसे था, मां से था। अर्जुन को पांडव कहते थे लेकिन ज्यादा खुद कृष्ण कौंतेय कहते। अभिमन्यु को हम सौभद्रेय के रूप में जानते, खुद दुर्योधन बोल रहा है। पहले अध्याय में जब लिस्ट दे रहा है कि हमारे बलाबल का विचार करना है, हमारे पक्ष में यह है, हमारे तुम्हारे पक्ष में यह है, पांडव पक्ष के सेनापतियों का नाम देते देते ऐसा नहीं कह रहा अभिमन्यु, ऐसा नहीं कह रहा है कि उत्तर कुमार है उसका, अरे उसका बेटा था ना, उत्तरा का बेटा था ना, तो सौभद्र या सुभद्रा का संतान, पुत्र का कुमार। इस प्रकार से अर्जुन का बेटा ऐसा नहीं कह रहा, सौभद्र यश। इस प्रकार से द्रौपदे यश, द्रौपदी के बेटे। उसी प्रकार से यहां शाकुंतलम, उसको राज्य दे दिया। 100 वर्ष तक राजा ने शासन किया, पूर्ण आयु हुई तब राजा उसको छोड़ के महारानी के साथ वन में चले। मैं आगे दिखाऊंगा, बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा सब छोड़ छाड़ के बस आत्मा के मोक्ष के लिए चले जाते। मैं आज जब देखता हूं इतना घर है, उसमें इतना संताप है, झगड़ा पट्टी है, फिर भी छुटता है। और शिविर में गए आश्रम में 2 महीने, तो मैं घर जाऊं क्या उसने क्या रखा है समझ में नहीं आता। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट छोड़ के आत्म कल्याण के लिए, गुरुजनों की सेवा करने के लिए वन में जाते, सब छोड़ जाते। कितना पवित्र होगा दुष्यंत राजा, जिसके लिए 2 बार आकाशवाणी हुई, ऐसा संतान पैदा उत्पन्न करना कितना कुल पवित्र होगा, छोड़ दिए। और ऐसा कहता है उसके बाद भरत का शासन कैसा, धर्म का शासन संपूर्ण जगत को प्रतिध्वनित करके चलता था। चक्रवर्ती सम्राट बने, समस्त भूमंडल में रहे और उसके पालक दादा नाना कह सकते कण्व ऋषि ने उनसे, यहां लिखा है हमें तो मालूम ही नहीं है, वेद में पढ़े तब पता चलेगा क्या क्या, गोवित यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सब यज्ञ करवाए, इतने तपस्वी ऋषि ने यज्ञ करवाए उसे, और सब यज्ञों का फल उसे प्राप्त हुआ। यज्ञ में कोई कमी नहीं रखी भरत ने, और इतना दान दक्षिणा, आगे भी वर्ण आना है, जब महारानी पद पर अभिषिक्त किया तो दुष्यंत ने सब ब्राह्मणों को, समाज को, सबको दान दिया। और यही है कि आप सबको जानना चाहिए, भरतात् भारती कीर्तयेन इदं भारतम कुलम अपरेयच पूर्वे वै भारताः इति विश्वतः। इस भरत से इस भूखंड का नाम भारत, भरतात् भारती, और पूरा कौरव वंश, कहानी में आएगा उसका वंश, वो भी भरत वंश से प्रसिद्ध। उसकी कुल में ययाति राजा आता है, उसका पुरु आता है, पुरु से बड़ी बड़ी उसकी वंश परंपरा की कहानी है। और ये राजा इतना पवित्र था, दोनों पिता पुत्र के, उसके वंश में जो राजा हुए वो भरत वंशी कहे। जैसे आज हमने देखा है, एक पहले मफतलाल थे इंडस्ट्रीज वाले, उसने बड़ा वैसे कपड़े बेच रहा था, उसमें से इतनी बड़ी उस जमाने में टेक्सटाइल मिले थे,
तो उसके पौत्र पौत्र भी नाम सपोज राजेश है तो राजेश मुफद्दाल ही लिखते थे, सब मुफद्दाल के नाम से चालू आज भी है। तो उस वंश में जितने राजा हुए तो भरत वंश का है। इस देश का नाम भरत से भारत पड़ा, उसके पहले देश का नाम था आर्यभरत। आर्य लोग रहते थे, आर्य मतलब धर्मनिष्ठ। फिर जाके हिंदुस्तान पड़ा और फिर जाके इंडिया हुआ वगैरह, सब बाद में सिंधियन कुछ ना कुछ चलता रहा, लेकिन ऐसा महान था। फिर कथा में वर्णन आता है, वैसे तो जन्मेजय को सुनाते हैं कथा, तो वैशंपायन सुनाते हुए कहते हैं कि इस कुल में जो राजा हुए सब राजर्षि, और राजर्षि को सबके नाम में बताता। उसमें लंबी कहानी शुरू करते हैं, कुल का वर्णन है, हमारे पुराणों में इतिहास आता है कुल का, लेकिन जो ऐसे चरित्र हैं जिनके द्वारा हमें सीख देनी है उसकी फिर कथा आ जाती है। तो यहाँ वर्णन आता है मनु के पहले का भी, मनु का पुत्र इला हुई, इला का पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा का पुत्र आयु, आयु का पुत्र नहुष, नहुष राजा स्वर्ग गया, उसकी कहानी है, और उसका पुत्र ययाति, बाद में ययाति की कथा है। तो सब चरित्र कथा का वर्णन अगले क्लास में करेंगे, अगले सोमवार को। और कल गुरुवार है और परसों शुक्रवार है, गुजराती में होंगे दो क्लास स्वामी जी माता जी के, और शनिवार और रविवार को शाम को 8 बजे से 9 मेरे इंग्लिश में होंगे उपदेश सारा। कल और परसों 7 से 8 माता जी के गुजराती में, एक गुरुवार को गुजराती में गीता का क्लास होगा और शुक्रवार को प्रश्नोत्तरी होगी। आपको प्रश्न हो तो ग्रुप में डालिएगा, या तो कृति को या निपा को भेज दीजिए, तो उत्तर दे देंगे माता जी। और कल का क्लास जिनको गुजराती आती है, अभी सब क्वारंटाइन है, क्वारंटाइन ये ईश्वर कृपा है हमारे लिए पढ़ने वाले, थोड़ा सत्संग कर लो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्ते टू एवरीबडी। हरि ओम।